चला जा। ये अस्मत होटल के पास की गंदगी है, मार्केट में। ये वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 8, टोटल मिला के 12 कॉर्पोरेटर का वार्ड है ये। और ये गंदगी 6 महीने से ऐसे ही बह रही है। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, किसी के कान पे जू तक नहीं रेंगती है। ये एकदम चलता रोड है, यहाँ के रहवासी बहुत परेशान हैं। आइए उनसे इस मसले का हल पूछते हैं। ये हमारे मुजीब शेख, मुजीब मोमिन। मुजीब भाई, जैसे ये कितने दिन से बह रहा है? ये करीबन 5 से 6 महीने से ये गंदगी बह रही है। हाँ, और यहाँ के वार्ड के जो कॉर्पोरेटर है 6, 7, 8, ये 3 वार्ड के कॉर्पोरेटर मिलाकर टोटल 12 कॉर्पोरेटर, 12 कॉर्पोरेटर का वार्ड है। उसके बावजूद यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। और ये पब्लिक का एकदम चालू रोड है या मार्केट का रोड है ये। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि 5, 6, 7, 8 नंबर वार्ड के जो कॉर्पोरेटर है, लोग गिर रहे बाइक ले लेके, वो यहाँ पर आकर देखें और इस गंदगी को ख़त्म करने की कोशिश करें और ये रोड को दुरुस्त करवाएं, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ये देखिए, एकदम चलता रोड है, कितना बोलते हैं। यहाँ के हमारे अयूब भाई भी है, बहुत परेशान है। आइए उनसे ज़रा मशवरा करते हैं। अयूब भाई, बोल बोल। बहुत तकलीफ है, लोग गिर रहे हैं, कई बाइकें गिरी है, कितने लोग को मार लगा है, लोगों को बहुत तकलीफ है, छींटे उड़ रहे हैं। ये आज मुसलसल बह रहा है, जब से काम चालू हुआ है काम ख़त्म ही नहीं हुआ है, चालू ही है, वो बंद ही नहीं हो रहा है। बहुत तकलीफ है लोगों को। ए कल्लू भाई, आओ भाई। देखिए, ये बशीर अलवी के दवा खाने से ये ड्रेनेज बह रहा है। डर रहा है, अरे आना रुक जा। बशीर अलवी के दवा खाने से ड्रेनेज बहता हुआ आ रहा है। ये अस्मत होटल है, अस्मत होटल से वो ये पानी जाता हुआ पूरा ये मिठाई की दुकान तक ये पूरा पानी जाता है, पूरा दुकान। अब टोटल 6 महीने से बाहर है, 12 कॉर्पोरेटर मिलकर इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या भिवंडी सुधरेगी? ये हमारे कल्लू भाई है, यहाँ के रहवासी है। बोलना अरे तो घान दिख रही है, बोलना बोलना बताना घान कितनी है। देखो भाई, कौन कौन गिर रहा है, क्या है, गाड़ी की, ये इस एरिया के काफी लोग बोलना चाह रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं ये वार्ड के 12 कॉर्पोरेटर से दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस रोड की मरम्मत का काम करें और यहाँ पर जो गंदगी वगैरह है ताकि यहाँ से दूर हो और यहाँ के लोगों को आने जाने में तकलीफें ना हो। और एक बार फिर मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ज़रूर इस पर आकर तवज्जो दें और इस पर कुछ चर्चा करें कि इसको किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, क्योंकि अभी एक हफ्ते में बारिश का दौर चालू हो जाएगा, आगे फिर तकलीफें ही तकलीफें हैं। क्योंकि 1.5 साल से तो गुजार मल्ला कब्रस्तान का रोड वैसे ही रुका हुआ है, तो कम से कम ये जो पब्लिक का रास्ता है इसको तो कम से कम आकर के दुरुस्त करें। मेरी एक दफ़ा फिर गुजारिश करता हूँ कि आकर देखें और इस पर कुछ चर्चा करके कॉरपोरेशन में इसको दुरुस्त करवाने का काम करें, इस पर फौरन कार्रवाई की जाए, वरना यहाँ की पब्लिक मेमोरेंडम कमिश्नर के पास जाने की तैयारी में लगी हुई है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।